हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो इन द सीएसएस। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉक्स मॉडल की। तो बॉक्स मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इन द सीएसएस, जो हर स्टूडेंट को आना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग द मार्जिन पैडिंग एंड द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज। ऑल्सो इस मार्जिन पैडिंग की सिलसिला से स्टार्ट करते हुए हम लोग एक और भी चीज़ सीखेंगे, जो क्योंकि बॉर्डर, तो किसी पे बॉर्डर वगैरह कैसे लगाते हैं, वी विल ऑल्सो गोइंग टू लर्न। और ऑल्सो हम लोग थोड़ा सा फॉन्ट की तरफ भी जाएंगे कि हम लोग किसी फॉन्ट को स्टाइल करना है, दैट इज उसकी एक तरीके से फॉन्ट फैमिली कैसे चेंज करनी है, साइज कैसे चेंज करना है, कलर कैसे चेंज करना है। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू कवर इन दिस ट्यूटोरियल। सो गिव इट अ लाइक बटन एंड लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बॉक्स मॉडल? लेट मी गिव यू अ शॉर्ट इंट्रो। So let us suppose I go into a new tab, and if I write google.com, right? Nothing, just a google.com. As I'm typing the google.com, I am having this Google page. Nice. Can you imagine how this is exactly placed like? Like we are able to see, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये जो Google search का button है ये इतनी width ले रहा है, ये जो input है ये इतनी width ले रहा है, ये Google ऐसे align है। लेकिन real में ये align कैसे है, right? इसकी क्या dimensions है, कैसे है? तो इसकी एक मैं आपको बताऊंगा, एक गूगल एक्सटेंशन होती है जैसे कहते हैं पेस्टिसाइड। सो इफ आई राइट पेस्टिसाइड गूगल एक्सटेंशन, इफ आई राइट एंटर, सो ऐसे जाना पेस्टिसाइड फॉर क्रोम, और ये जो पहली ही लिंक है उस पर आई एम गोइंग टू क्लिक और वेट फॉर अ सेकेंड। तो जब तक शुरू होती, सो नाउ इट इज ओपन। सो ये एक पेस्टिसाइड नाम की एक एक्सटेंशन है जिसको आप लोग इंस्टॉल कर लेना। तो जैसे आज मैंने इंस्टॉल कर रखी है, तो मेरे पास देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने इसको पिन भी कर दिया था। सो एज इन ये है। अब इस पर जैसे मैं टॉगल करता हूँ, ठीक है, मैंने क्लिक किया, कुछ होगा, ध्यान से देखिए क्या होगा। एक तरीके से ये दिखा रहे हैं कि असल में ये चीज़ें अलाइन कैसे है, जैसे जो रियल का जो गूगल का आइकन था वो इतनी विथ ले रहा, ठीक है, ऐसे ही जो ऊपर का नेविगेशन बार था टोटल इतनी विथ ले रहा था, फिर उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स था, फिर यहाँ पे इतनी विथ, यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन पैडिंग है। कहने का मतलब ये है, द मीनिंग ऑफ द थिंग इज वट एवर यू सी इनसाइड एनी वेबसाइट। तो आप कोई भी वेबसाइट आ सकते हो, मैंने गूगल की देखी, आप facebook.com में जा सकते हो। इफ आई गो टू द facebook.com, राइट, जैसे मैं अभी facebook.com पे गया, एंड विद यूजिंग दैट पेस्टिसाइड वेबसाइट, this is how the thing works, like all the things are of the box model. So this is actually the box model. Is what is the box model? Box model is something that whatever the content we see in the particular html wo sab ek type ke box mein hai, theek hai, as you can see yahan pe links hai, number of yahan pe hamara logo hai, to exactly as a square ya rectangle us form mein hai, aur aise samajh nahi aata, to isi cheez ko box model kehte hain, ठीक है, इसके अलाइनमेंट को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा H1 था, ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। सो राइट क्लिक एंड देन गो टू द इंस्पेक्ट। जैसे मैं इस पर इंस्पेक्ट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इनसाइड द बॉडी मैंने एक टैग बना रखा है, जो कौन सा है, H1 टैग है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ध्यान से देखिए क्या, अभी इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये काम करते हैं एज एन, इसको नीचे ले आता है, दैट विल बी मोर ईजी। जैसे H1, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, तो ध्यान से देखिए इस पर क्या हुआ, ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये रियल विथ है इसकी टोटल। मतलब क्या है कि भले ही हम लोग को ये दिख रहा है कि H1 केवल इतना है, दैट्स इट, बट असल में है कितना, H1, सो H1 इज टेकिंग द होल विथ, राइट। सेम एज दैट एक और एग्जाम्पल छोटा सा देखते हैं, तो ऐसे एक पैराग्राफ भी ऐड कर देते हैं, सो लेट मी राइट दिस इज सैंपल, ठीक है, मैंने डाला, सो दिस इज अ सैंपल पैराग्राफ। और सेम एज दैट अगर मैं इस पे पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ, तो ध्यान से देखिए पूरी पूरी विथ ले रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली ना बॉक्स फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट चालू होता है मार्जिन पैडिंग विथ एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं विथ की, विथ क्या होती है, ठीक है, विथ का मतलब होता है कि जितनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये जितनी स्पेस ले रहा है। तो ध्यान से देखो, असल में जो हमारा पैराग्राफ है वो पूरी पूरी विथ ले रहा है, ठीक है, ऑफ द डॉक्यूमेंट,
इसका मतलब है कि अगर मैं कोई दूसरा पैराग्राफ अभी लगाता हूँ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे लिखा पैराग्राफ और यहाँ पे लिख दिया दिस इज द सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है, दिस इज द सेकेंड पैराग्राफ, तो यहाँ पे एक सेकेंड पैराग्राफ आ जाएगा। अब ये भी पूरी विड्थ ले रहा है, ये भी पूरी विड्थ ले रहा है, क्यों? क्योंकि इसी की वजह से, जब तक ये पूरी विड्थ ले रहा है, इसी की वजह से जो हम अगला पैराग्राफ लिख रहे हैं वो कहाँ आ रहा है, सेकंड लाइन पे आ रहा है। सो दिस इज द विड्थ, विड्थ का मतलब पूरी पूरी लाइन। अब इस पर थोड़ा सा एक स्टाइलिंग डाल देते हैं, जैसे मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का ये भी यूज कर लेता हूँ, ठीक है। सो आई लाइट लेट अस सपोज, तो विड्थ को ही सेट करते हैं, तो जैसे मैंने लिखा विड्थ और लिख दिया 50%, इतना करने से देखते हैं क्या होता है। अभी मैंने पहले पर अप्लाई किया था, तो ध्यान से देखो, अब ये रियल की जो विड्थ है, वो जो ब्लू लाइन है, वो क्या हो गई, छोटी हो गई। सेम एज दैट पैराग्राफ इस पे भी यही सेम अप्लाई कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो लाइक कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो अभी भी क्या हुआ, वो उसकी भी छोटी होगी। बट ये व्हाट इज दिस ऑरेंज, ये ऑरेंज ऑरेंज क्या आ रहा है? ऑरेंज ऑरेंज समझने से पहले एक और चीज देख लेते हैं, हाइट क्या होती है। सो इफ आई इंक्रीज द हाइट, इफ आई राइट हाइट और ऐसे इसको लिख देते हैं 200 पिक्सल, तो दिखाते हैं क्या होता है। जैसे मैंने हाइट 200 पिक्सल दे दिया, तो अभी ध्यान से देखो, इसकी जो हाइट है रियल में, ऐसे तो दिख रहा है कि कुछ भी स्पेस नहीं दे रहा, बट इफ यू इंस्पेक्ट, ठीक है, या पेस्टिसाइड भी यूज करते हैं तो पता चल जाएगा क्या कैसा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो पैराग्राफ है इतनी पूरी है 200 पिक्सल की वजह से है, इसको और अच्छे समझना तो हम लोग इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, हाइट ऑफ विड्थ, आई थिंक सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। बट वॉट इज दिस, ये एक्स्ट्रा जो ऑरेंज लाइन आ रही है क्या है, ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं मार्जिन। तो असल में मार्जिन क्या होती है, इसको हम लोग इस चीज़ से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे ये वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, ये जो सेकंड पैराग्राफ था, दिस इज द सेकंड पैराग्राफ। अब ये जो ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर का मतलब क्या होता है, मेन कंटेंट। ब्लू कलर का क्या मतलब होता है, मेन कंटेंट। अब जो हमारा मेन कंटेंट होता है ना, उससे और उसके बॉर्डर से जो बीच की जो स्पेस होती है, उसे कहते हैं पैडिंग। किसके बीच की स्पेस, उस कंटेंट के और उसके बॉर्डर के। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट विल बी मोर बेटर। सो स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया, इसको एक क्लास दे देते हैं अपन लोग, तो पैराग्राफ मैंने क्लास दे दिया, ठीक है, कि अपन लोग केवल सीखने के लिए कर रहे हैं। सो डजंट मीन आप कोई भी यूज कर सकते हो, अलाइट डॉट कंट्रोल वी, तो ये पैराग्राफ क्लास सिलेक्ट हो जाएगी। अभी इस पे काम करते हैं, क्या सीख रहे थे हम लोग, इफ आई राइट बॉर्डर एंड इफ आई राइट सॉलिड देन 1 पिक्सल देन ब्लैक। अभी ये चीज समझ में आई क्योंकि मैंने क्यों लिखा, बट अभी फिलहाल चल रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, ये बॉर्डर ले लिया इसने, ठीक है, दिस इज द बॉर्डर। अब ये चीज समझ में आई कि ये डायग्राम कहना क्या चाह रहा है, डायग्राम कहना ये चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मेन कॉन्टेंट हो गया, ठीक है, मेन कंटेंट होगा, और ये बॉर्डर हो गया हमारा। बॉर्डर को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो 1 पिक्सल के बजाय इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, तो 20 पिक्सल कर देते हैं, तो ठीक ठाक मोटा हो जाएगा। हाँ, अभी ठीक है। सो अभी जैसे आते हैं, तो ये देखो 20 पिक्सल का ही बॉर्डर सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो किसके बीच की स्पेस, एक ये कॉन्टेंट हो गया जो ब्लू हाईलाइट हुआ है, और ये जो बॉर्डर हो गया है ये हाईलाइट हुआ है, इसके बीच की जो स्पेस होती है उसे कहते हैं पैडिंग, ठीक है, पास में। तो जैसे मैंने अगर दे दी पैडिंग, अगर मैंने दिया पैडिंग और दे दिया 50 पिक्सल्स, लेट अस सपोज, ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे आ गया। अब चीज समझ में आई आपको, जैसे ये क्या था, मेन कंटेंट था, ठीक है, व्हाट वाज दिस, दिस वाज द मेन कंटेंट जो ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा था। उसके बाद ये क्या था, ये बॉर्डर था, जो मेरा बॉर्डर था, लेकिन हमने क्या था, पैडिंग क्या होती है, द स्पेस बिटवीन द मेन कंटेंट एंड द बॉर्डर, दैट इज दिस, ये जो पैडिंग आई है एक्स्ट्रा, ठीक है, तो इस चीज को क्या कहते हैं, पैडिंग कहते हैं। सेम एज दैट एक मार्जिन आता है, तो मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर से लेकर बाहर वाले एलिमेंट्स तक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई और एलिमेंट होता तो उसके बीच की स्पेस को क्या कहते हैं, पैडिंग कहते हैं। सो बाय डिफॉल्ट जो पैराग्राफ होता है उसमें देखो अपने ऑटोमेटिकली पैडिंग होती है, यहाँ पे 16 लिख के आ रहे थे, ऐसा मतलब क्या है कि 16 पिक्सल्स की पैडिंग ऑलरेडी हो रखी है, तो चाहो तो हम लोग इसको ओवरराइड कर सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी कॉल्ड मार्जिन। तो जैसे मार्जिन देते हैं अपन लोग 60 पिक्सल्स का, तो बड़ा हो जाएगा, और अभी देखो थोड़ा सा दूर भी हो रहा है, तो अभी जैसे ध्यान से देखते हैं, तो हर तरफ से 60 पिक्सल्स का मार्जिन है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, सो दैट वो चीज़ आपको और अच्छे से दिखे, और इसको थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, इधर चलेगा।
ठीक है, तो अभी अपन लोगों ने क्या सीखा, ये हमारे हो गया मेन कंटेंट, द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड द मेन कंटेंट इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड पैडिंग, एंड द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड दिस, दिस इज कॉल्ड मार्जिन। अभी बात समझ में आएंगे, हम मार्जिन देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो हम लोगों ने सीधे से देखा कि मार्जिन यूज कर दो, पैडिंग यूज कर दो, तो धीरे धीरे, तो इससे क्या होता है, जैसे मान लो हमने लिया पैडिंग 50 पिक्सल, तो देखो चारों साइड से 50 50 पिक्सल आ गई है, ठीक है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, सो अभी पहले पैडिंग देखते हैं फिर बाद मार्जिन देखेंगे। तो जैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को पूरी ऊपर की ही देनी है, ठीक है, तो जैसे मैंने पैडिंग टॉप दे दिया 100 पिक्सल, ठीक है, तो सेम एज दैट अभी ध्यान से देखो, तो अभी जैसे पैडिंग पे क्लिक करेंगे तो देखो टॉप की तरफ से यहाँ ज्यादा पैडिंग आ गई है। जैसे आप लोग कस्टमाइजली कर सकते हो, जैसे टॉप का हो गया, जैसे एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग लेफ्ट, एक और प्रॉपर्टी होती है पैडिंग राइट, और एक प्रॉपर्टी कौन सी होती है, यूर, यस यू आर राइट, सो पैडिंग बॉटम, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज होती है, टॉप ऊपर करता है तो लेफ्ट वाली लेफ्ट पे करती है, राइट वाली राइट पे करती है, बॉटम वाली बॉटम पे करती है, दैट इज अप टू यू, और ये आपको करना है, ठीक है, इसलिए आप करिए। अभी अपन लोगों ने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी देखी, एक और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है जो ज्यादा यूज होती है, जैसे मैंने दे दिया पैडिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, दो वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा, जैसे मैंने दे दिया 40 पिक्सल्स और 100 पिक्सल्स, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब है कि टॉप और बॉटम से 40 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 100 पिक्सल। तो अभी ध्यान से देखना, जैसे मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट करा और यहाँ पे गया, तो टॉप एंड बॉटम से कितना जा रहा है, 40 40 पिक्सल जा रहा है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 100 100 पिक्सल जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क, सेम एज दैट पैडिंग मार्जिन भी काम करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने मार्जिन दे दिया, तो मार्जिन तो अपन लोगों ने देख ही दिया था, अब अगर ऊपर की मार्जिन ही केवल कस्टमाइज देनी है तो हम लोग मार्जिन टॉप यूज कर सकते हैं, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट सेम काम होता है, बट वो पैडिंग के लिए पैडिंग टॉप काम आती है, मार्जिन के लिए मार्जिन टॉप काम आती है। एक जो बहुत यूजफुल शॉर्ट एंड टेक्निक है वो ये वाली है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 50 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 60 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, ये मैं केवल कस्टमाइजली दे रहा हूँ, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, डजेंट मैटर आप 50 60 ही दो, ठीक है। तो जैसे मैंने अपने वाले को सिलेक्ट किया, ठीक है, तो अभी ध्यान से देखना क्या हो रहा है, टॉप एंड बॉटम पे देखो 50 50 पिक्सल का मार्जिन है, ठीक है, और लेफ्ट राइट में 60 60 पिक्सल। तो ऐसी चीजें चलती हैं, आई थिंक सो द थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। और दिस इज द मेन, दिस इज द बेसिक बॉक्स मॉडल। तो अभी आप क्या करो, अभी आप थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग की चीजें सीखो, सो एज इन आप प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हो, जैसे लाइक आई हैव यूज द पैराग्राफ टैग्स, सो यू कैन यूज द स्पैन टैग्स, देन द इमेजेस टैग्स, सो उस पर अलग अलग मार्जिन एंड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगली प्रॉपर्टी समझते हैं, कौन सी अगली प्रॉपर्टी समझते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट की तरफ देख लेते हैं कि हाउ फॉन्ट वर्क्स, ठीक है। अगर हम लोग को फॉन्ट चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं, सो उसकी एक सिंपल सी टेक्निक है, देखो जैसे हमारे पास ये पैराग्राफ होता है, ठीक है, तो अभी फॉन्ट चेंज करने की जितनी भी स्टाइलिंग होती है वो फॉन्ट के आगे से स्टार्ट होती है, जैसे मैंने लिख दिया फॉन्ट, ठीक है, और हाइफन लगाया, तो फॉन्ट रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी सब आ जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज बता देता है, तो जैसे मैंने लिख दिया 400 पिक्सल्स, सो लग गया कि ध्यान से देखना भी क्या होगा, अभी ये बहुत बड़ा हो गया है, दिस इज, ठीक है, इसको थोड़ा सा काट के 40 पिक्सल करते हैं, सो अभी ठीक है, दिस इज द सेकेंड पैराग्राफ, अभी हम लोग को सीधे सीधे से दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं इसका। ऐसे अगर कलर चेंज करना है तो जैसे कलर प्रॉपर्टी यूज करके कोई भी कलर दे दो, जैसे मैं इसको रेड कलर दे देता, ठीक है, या थोड़ा सा और अच्छा कलर देना है तो आप ऐसे इस पे जाओगे तो आपको सजेशन मिल जाएगा, उस हिसाब से अपना कलर चूज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कुछ गंदा सा कलर ले लेते, ठीक है, दिस इज, तो ऐसे आप कलर चूज कर सकते हो। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है, उसे कहते हैं फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट क्या करता है, असल में बोल्डनेस बढ़ाता है, जैसे मैंने दे दिया 400, ठीक है, फॉन्ट वेट मतलब 400 का मतलब होता है कि थोड़ा सा पतला जो अभी नॉर्मल है, बट जैसे अगर मैंने दे दिया बोल्ड तो ये बोल्ड कर देगा, जैसे भी हो गया बोल्ड। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो 600 वैल्यू दे दी तो भी वो बोल्ड हो जाएगा अगर होना होगा तो, ठीक है। सो दिस इज हाउ द थिंग वर्क्स। अभी इसको फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी 500 ही दे देते हैं, जो कि अभी इसकी नॉर्मल वैल्यू ही है क्योंकि ये बोल्ड एलिमेंट नहीं था, ठीक है। अभी और चीज़ देखते हैं, तो एक होती है फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल का मतलब क्या होता है, इसको कैसा बनाना है, जैसे मैंने को मेरे को इटैलिक बनाना है, ठीक है, तो ऐसे इटैलिक बन जाएगा, दिस इज ऑफ वर्क्स। तो फॉन्ट स्टाइल से आप ऐसी ऐसी चीज़ कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसे कहते हैं फॉन्ट फैमिली। सो फॉन्ट फैमिली का काम क्या होता है, उसकी एक तरीके से फॉन्ट ही चेंज कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जिस टाइप का फॉन्ट्स देख रहे हो उसे कहते हैं सेरिफ फॉन्ट्स। सेरिफ फॉन्ट्स को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये जो थोड़ा स्टीप्ड होता है जितना, जैसे बॉक्स हो गया,
ठीक है, तो इसमें देखो कितना स्टीप्ड है एक्स एक्स का, इसकी जो विथ है वो है ना, बॉर्डर वगैरह बॉर्डर है, टेक्स्ट का सब दिख रहा है, इन सबको सेरिफ फॉन्ट कहते हैं। अगर सैंस सेरिफ कर देते तो वो फॉन्ट होता है जो हम लोग नॉर्मली लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बॉडी पे अप्लाई कर दूँ ना, जैसे बॉडी मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, वैसे लिख दिया फॉन्ट फैमिली, और इसको अपन लोग क्या दे देते हैं, हाँ इसको अपन लोग दे देते हैं सैंस सेरिफ नॉर्मल साइज। ठीक है, तो फॉन्ट फैमिली दे रही है सैंस सेरिफ। अभी देखो ये हमारा नॉर्मल हो गया जैसे टेक्स्ट होता, बट वो क्या था, वो सेरिफ फॉन्ट होता है। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें से चेंज होता है। आप कस्टमाइजली एक तो ये तरीका हो गया सैंस सेरिफ दे सकते हो, ऊपर से हम लोग को कुछ वैल्यू कुछ डिफॉल्ट भी मिलता है। जैसे देखिए आप इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मैंने ये वाला करा, सो ये कैसा फॉन्ट होगा, ये कुछ इस तरीके का फॉन्ट होगा। एक तो ये बाय डिफॉल्ट है जो हम लोग को विजुअल स्टूडियो कोड से मिलता है। अगर आपको कोई और भी फॉन्ट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने नया टैब खोला, उसमें मैंने चेक किया गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, तो गूगल फॉन्ट्स क्या है, गूगल फॉन्ट्स एक तरीके का इसको एक वेबसाइट समझ लो जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट्स होता है, तो उसको आप अपने वेबसाइट से लिंक करके आप वाला फॉन्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो ये एक बहुत ही यूजफुल टूल है और बहुत सारे डेवलपर्स इसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग देयर वेबसाइट्स और फॉर देमसेल्व ऑल्सो और फॉर द क्लाइंट ऑल्सो। सो गूगल फॉन्ट्स तो बहुत ही यूजफुल है, और यूजिंग दैट हम लोग के पास बहुत सारी आदत। तो मेरे पास देखो पहले से ही कुछ था, तो इसको अभी अपन हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से खुलता है। अब यहाँ पे सर्च करना है, तो जैसे मैंने फोन सर्च किया है, एक मॉन्स्टार्ट फॉर्म फॉन्ट होता है। ठीक है, ये मॉन्स्टार्ट, ठीक है, इस पर क्लिक किया। अब क्या करने का, अब सबसे पहले देख लो कौन कौन सी फिल होती है। तो जैसे एक ये थिन हो गया, एक इटैलिक हो गया, थिन हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, जैसे मेरे को ये थिन वाले फॉन्ट चाहिए, तो मैंने कहा ऐड दिस स्टाइल। जैसे मैं ऐड दिस स्टाइल पे क्लिक करूंगा ना, मेरे पास ये वाली चीज आ जाएगी। अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये जो मेरी सिलेक्टेड फैमिली, जैसे मैंने अभी पहले कौन कौन सी कर रखी थी रियल में देखे, यहाँ से तो एक कम्फर्ट हुआ थी जो मैंने पहले सिलेक्ट कर रखी थी। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसको भी रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको हटाया तो रिमूव हो गई, सेम ऐसा ऐसे रिमूव हो गई। अब ये अपन लोगों को क्या चाहिए, कि मॉन्स्टार्ट चाहिए जो अपन लोगों ने यूज़ किए। तो ध्यान से देखो अपन लोग को जो लिंक मिल रहे हैं कौन कौन से, एक ये वाला लिंक मिल रहा है, ये लिंक मिल रहा है, तो शांति से इसको उठाना है और कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद कहाँ पे, यहाँ पे जो अपने विजुअल स्टूडियो कोड में टाइटल के ऊपर स्पेस करके चपका दो, कंट्रोल वी कर दो। यहाँ पे ये अपना क्या हो गया, अपने फोन से लिंक हो गया, और यूज़ करने के लिए वाली प्रॉपर्टी इन्होंने दे रखी है, तो इसको भी उठा के कॉपी करो। ठीक है, और यहाँ पे मैं बॉक्स मॉडल वाला अपना खोल लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखना अभी कैसे चेंज होगी फोन, तो फिर कंट्रोल वी करा तो ऑटोमेटिकली, ध्यान से देखो तो हमारा मॉन्स्टार्ट फॉन्ट यूज़ हो रहा है जो अपन लोगों ने वहाँ पे उठाया है अभी। ठीक है, चाहो तो आप अलग भी यूज़ कर सकते हो। तो ये एक लाइव डेमो था कैसे आप एक तरीके से थर्ड पार्टी एप्स को यूज़ करके आप उसका फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हो, राइट। सो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो यहीं तक का था। एंड ऑल्सो अगर आपके वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो गिव इट अ लाइक बटन। थैंक यू।